जय सद्गुरुदेव, जय पद शरण। श्रीयशुरूप चरण शरण, 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 जय सद्गुरुदेव, जय पद शरण। श्रीयशुरूप चरण शरण। ब्रजेश, ब्रजेश हैं क्या? पूज्य माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, जिसको जो मानता है, जिसको जो मानता है उन्हीं की आराधना करेंगे। इष्ट का मतलब आपके इष्ट देव, चाहे वो निराकार हो चाहे वो साकार हो। अगर देखा जाए तो भक्त दो प्रकार के, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। साकार पुजारी क्या करें? सबसे पहले यह निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूरत, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल कौन सी परमात्मा का स्वरूप आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। जिसका रह रहे के ख्याल आता है आपको,
जिसका रह रह के ख्याल आएगा उसी का मनन करेंगे, उसी का चिंतन करेंगे, उसी को याद करेंगे, तो आपका मन आपके इष्ट के चरणों में बहुत जल्दी लगेगा, विरोधाभास नहीं होगा। हम मानते राम को हैं, आराधना कृष्ण भगवान की करते हैं, तो आराधना तो कर सकते हैं, पर अगर चाहे कि उससे ऊपर उठे ध्यान की असली स्थिति, असली आनंद आपको प्राप्त हो जीवन का, वो जब ही प्राप्त हो पाएगा जब आप खूब अच्छी तरीके से उसमें आराधना करेंगे, आराध्य होंगे। तो ये बहुत जरूरी है, साकार पुजारी ये निर्णय करें। जैसे मैंने आपको बताया कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सा नाम आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगते हैं, उन्हीं को मानिए। उसके बाद अगर आपने पूजा का कोई स्थान बनाया हुआ तो स्थान पर जाएं, बड़े प्यार से उस स्थान पर बैठिए, आसन लगाइए, सुख आसन से बैठे, अपने इष्ट के प्रति जो आपके भाव हैं उनको मन ही मन प्रकट करिए। उसके बाद अगर कोई भजन आपको आता है तो भजन को गाएं, अगर भजन नहीं बनता तो भावना बनाए, ये प्रभु हमारे पर कृपा करिए, जो हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स हैं वो समाप्त हों, वो कम हों। अपने मन को अपने इष्ट देव के प्रति अर्पित करिए। उसके बाद धूप दीप जलाएं, और ये महसूस करें कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, जो आपको अपने इष्टदेव की मूर्त सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जिसको बड़े आराम से आप चित्रित कर सकते हैं अपने सामने, अपने सामने बनाए, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद में अपने इष्ट देव के चित्रण को देखिए अपने सामने। और जब वो चित्र सामने हो, स्पष्ट हो जाए, अपने हृदय पटल पर उसको उतारने की कोशिश करिए, दिल की हर धड़कन पर आपका जो मंत्र है उसको सुनने की कोशिश कीजिए। और जब तक ऐसा ना हो तब तक जिह्वा से बड़े आराम से अपने इष्ट देव के नाम को ले सकते हैं, बड़े प्यार से,
राम, बड़े प्यार से ओम, ये महसूस करें कि दिल से निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, कहते हैं परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, हर जगह है, वो क्या करें। बड़े प्यार से बैठिए, आनंद में बैठिए, धूप दीप जलाएं और ये महसूस करें कि उनके हृदय से जो उनका सबसे प्यारा नाम है ओम, अल्लाह, वाहेगुरु निकल रहा है और वो उसको सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से उस पवित्र नाम को आप जिह्वा से ले सकते हैं। ये दो तरीके बताए हमारे बुजुर्गों ने परमात्मा को याद करने के, जो भी जैसे अपने इष्ट देव को याद करे बड़े प्यार से कर सकता है। और ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा याद बनी रहे, जैसे ही आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे, अपने इष्ट देव को याद करने की कोशिश करेंगे, थोड़े टाइम तक तो आप अपने इष्ट देव की याद कर पाएंगे, उसके बाद आपका मन आपके इष्ट विचारों की दुनिया से हटकर दूसरे विचारों में चला जाएगा, फिर आप उन विचारों को साइडलाइन करिए, हटाइए, अपने इष्ट देव की याद करें, फिर हटाएं, फिर याद करें। अगर ऐसा अभ्यास करेंगे तो इतनी पक्की आदत आपकी बन जाएगी कि कुछ ही समय में जैसे ही आप अपने इष्ट देव को याद करेंगे, आपका इष्ट आपके सामने होगा और बड़ी आनंदमय स्थिति आपकी होगी। अपने इष्ट देव को देखते होंगे, बड़ी सुंदर स्थिति होगी। और जैसे ही सुबह सुबह अपने आपने इष्ट देव के दर्शन किए, सारा समय बड़ी सुंदरता से समय व्यतीत होगा और पूरा कार्यकाल उस दिन का बड़े आराम से अपने इष्ट देव की याद में बीतेगा। और जो काम करेंगे उसमें भी बड़ा जोश और आनंद आएगा, क्योंकि आप ताजगी महसूस कर रहे हैं, मन के अंदर कोई विचार नहीं पहले का, नए विचार आएंगे, नया काम होगा, बड़ी सुंदर स्थिति आपकी प्राप्त होगी। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री ब्रजेश जी जो पटना से पधारे हैं, भजन कहेंगे। मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में, हे प्रभु जी, मन मंदिर में, हे प्रभु जी, जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ, अंधियारे में भटक रहा हूँ, अंधियारे में भटक रहा हूँ, अब तो राह दिखाओ,
दुख से मेरी भीगी पलकें, दर्द की मारी पल पल छलकें, दुख से मेरी भीगी पलकें, दर्द की मारी पल पल छलकें, खुशियों का सागर इन आँखों में, खुशियों का सागर इन आँखों में, लहर लहर लहराओ हे प्रभु जी मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में हे प्रभु जी, जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ, देख रहा नित अजब तमाशा, पल में आशा बने निराशा, देख रहा नित अजब तमाशा, पल में आशा बने निराशा, ऐसी आंख मिचौली से अब, ऐसी आंख मिचौली से अब मुझको मत बहलाओ हे प्रभु जी मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में हे प्रभु जी, जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ, ऐसा वर दो ऐसा कर दो, प्यार का रस हृदय में भर दो, ऐसा वर दो ऐसा कर दो, प्यार का रस हृदय में भर दो, तन मन का सब दुख मिट जाए, तन मन का सब दुख मिट जाए, ऐसा गीत सुनाओ हे प्रभु जी मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में हे प्रभु जी, मन मंदिर में हे प्रभु जी, जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ, अंधियारे में भटक रहा हूँ, अंधियारे में भटक रहा हूँ, अब तो राह दिखाओ, जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ, मेरे मन मंदिर में हे प्रभु जी, मन मंदिर में हे प्रभु जी, जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ।
जय सद्गुरुदेव, जय पदचरणम। यश रूप सुधा, जुलाई 2000। संरक्षक का संदेश। स नहम पावक दी दिवो अग्निम देवा इहा वह उपयज्ञम हविश्च नह। हे अपने सामर्थ्य से प्रकाशवान पवित्र करने तथा सब पदार्थों को प्राप्त कराने वाले जगदीश्वर, आप हम लोगों के सुख के लिए इस संसार में विद्वानों को प्राप्त करता है। वह हमारे उक्त तीन प्रकार के यज्ञ और देने लेने योग्य पदार्थों को हमारे समीप प्राप्त कीजिए। जो प्रकाशमान तथा शुद्धि का हेतु भौतिक अग्नि अच्छी प्रकार कलायंत्रों में युक्त किया हुआ हम लोगों के सुख के लिए हमारे समीप दिव्य गुणों को प्राप्त करता है, वह हमारे तीन प्रकार के उक्त यज्ञ को तथा उक्त पदार्थों को प्राप्त होकर सुखों को हमारे समीप प्राप्त करता रहता है। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जिस प्राणी को किसी पदार्थ की इच्छा उत्पन्न हो, वह अपनी काम सिद्धि के लिए परमेश्वर की प्रार्थना और पुरुषार्थ करें। जैसे इस वेद में जगदीश्वर के गुण, स्वभाव तथा अन्यों में प्रतिपादित किए हुए दृष्टिगोचर होते हैं, वैसे मनुष्यों को उनके अनुकूल कर्म के अनुष्ठान से अग्नि आदि पदार्थों के गुणों को ग्रहण करके अनेक प्रकार व्यवहार की सिद्धि करनी चाहिए। आध्यात्मिक भाव। ईश्वर पुरुषार्थी मनुष्य की सहायता करता है, आलसी मनुष्य की नहीं, तथा पुरुषार्थी होने से ही कार्य सिद्धि संभव है, क्योंकि किसी प्राणी को पुरुषार्थ के बिना धन व बुद्धि और इसके बिना सुख का लाभ नहीं हो सकता। संसारिक सुख प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ अति आवश्यक है। इसी प्रकार आध्यात्मिक उन्नति निज कृपा के बिना संभव नहीं, इसलिए मनुष्य को पुरुषार्थी एवं शुभ आशावादी प्रेमी होना चाहिए। आज व्यास पूजा का पवित्र अवसर है। परमपिता परमात्मा एवं सद्गुरुओं की कृपा से यश रूप सुधा 25वें वर्ष में पदार्पण कर रही थी। इसी बीच अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संरक्षक परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज 3 अप्रैल 2000 को निर्वाण प्राप्त कर अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा से एकाकार हो गए। आपका जन्म गुरुवार 5 दिसंबर 1918 में बुलंदशहर में हुआ। आपके पिताजी श्री सोहन लाल जी कचहरी में मुनस्सरिम थे। आपकी तालीम बुलंदशहर और इलाहाबाद में हुई। आप पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में पहले पहल टेलीग्राफिस्ट लगे और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से डायरेक्टर के पद से 1976 में रिटायर हुए। जब आप छोटे ही थे, आपको आंख मीच कर खाना खाने की आदत थी। वह आपकी माताजी आपको गुस्सा करती थी कि ऐसा करने से कोई भी गलत वस्तु मुंह में जा सकती है। आपने अपने चाचा जी श्री मोहन लाल जी पेशकार जी के साथ परम पूज्य दद्दा जी महाराज का प्रथम दर्शन किया। वह दशहरे के दिन 12-10-1948 में परम पूज्य दद्दा जी महाराज से उपदेश भी लिया। उपदेश के समय दद्दा जी महाराज ने फरमाया, शुरू शुरू में बहुत कष्ट हैं, उन्हें बर्दाश्त कर लेना, लेकिन तुम्हारा आखिर बहुत अच्छा है। तुमने बहुत अभ्यास किया है, पर इसका तुम्हें पता नहीं। उपदेश के बाद आप अपनी साधना में लग गए और बहुत ही शिक्षाप्रद अनुभव हासिल किए, जिन्हें श्री ब्रजमोहन वचनामृत में दिया है। उपदेश प्राप्ति के 12 दिनों के बाद परम पूज्य दद्दा जी महाराज ने आपको लिखा
क्या पता कि परमात्मा तुम्हारे रूप में ही वह बालक हमको दे रहा हो जिसके बारे में हमारे फतेहगढ़ वाले महात्मा जी परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया था कि एक ऐसा प्रेमी तुम्हें मिलेगा जो हमारा तुम्हारा सबका नाम ऊंचा कर देगा। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह अपना सच्चा प्रेम व ज्ञान प्रकाश प्रदान करे। आपको परम पूज्य दद्दा जी महाराज ने केवल 10 माह के अंतर बैत प्रदान की और 4/6/1951 को आन जनाब ने परम पूज्य दद्दा जी महाराज ने फरमाया कि आज हम यशपाल को इजाजत देते हैं। इस अजीज से उम्मीद है कि जहां जाएगा और परमात्मा चाहेगा तो हर जगह नया सत्संग केंद्र कायम करेगा। मालिक ने चाहा तो अजीज की तवज्जह में वह कशिश और प्रेम की चाशनी भर दी है कि जिसके संपर्क में आए कठोर से कठोर हृदय में प्रभु प्रेम की लहर पैदा हो जाएगी। परमात्मा चाहेगा तो अजीज से मिशन को काफ़ी तरक्की मिलेगी। ईश्वर मालिक है। और माताजी के विषय में कहा, आप इन्हें क्या समझते हैं? बड़ी बड़ी मंजिलें जो अच्छे अच्छे योगियों को दुर्लभ हैं इन्होंने पार कर ली हैं। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हैं पर जुबान नहीं है। परम पूज्य दद्दा जी ने 17 जनवरी 1955 को बंबई में निर्वाण प्राप्त किया। समाधि लेने के पश्चात ऐसा महसूस होने लगा कि आगे क्या होगा। पूज्य भाई साहब जी अपनी धुन में मस्त लगे रहते थे। एक रात आपने 2 बजे ऐसा महसूस किया कि दद्दा जी महाराज सशरीर आए और बहुत नाराजगी से आपने कहा कि तू मेरा काम नहीं करेगा, और उसी समय से आपको विश्वास हो गया कि वह मौजूद हैं और सत्संग का कार्य शुरू हुआ। पहला भंडारा सन 1958 में रामनवमी के दिन हुआ और यह भंडारा पहले प्रेसिडेंट एस्टेट में होता था। आपने अपने गुरुदेव परम संत महात्मा श्री ब्रजमोहन लाल जी महाराज की प्रेरणा से सन 1969 में संस्था को अखिल भारतीय संत मत सत्संग के नाम से रजिस्टर्ड कराया और 1970 में आश्रम के लिए अनंगपुर में स्थान लिया और तभी से भंडारा इस स्थान पर होता चला आ रहा है। आपने अपने बुजुर्गों का नाम केवल भारत के कोने कोने में ही नहीं पहुंचाया, अपितु विदेशों में भी रोशन किया। आप अक्सर फरमाते थे कि हम तो लकीर के फकीर हैं, जो विद्या हमारे सद्गुरुदेव जी ने दी उसका प्रचार जस से तस रूप से आगे बढ़ा दिया। साथ साथ यह भी फरमाते थे कि मैं तो मिट्टी का माधो हूँ, जो कुछ आज है इसके गुरुदेव परम संत महात्मा श्री ब्रजमोहन लाल जी महाराज का है। आपने न केवल गृहस्थ में रहते हुए साधकों की आत्मिक सेवा की बल्कि आपके पास साधु संत महात्मा भी अपनी अपनी साधन विधि से संबंधित प्रश्नों को लेकर आते व संतुष्ट होकर चले जाते और अपने आप को धन्य समझते। न केवल गृहस्थियों ने आपके बताए साधन विधि को अपनाया वरन संतों व महात्माओं ने भी उपदेश लिया। मथुरा में एक सत्संग के अवसर पर 2 साधु संत महात्मा आपका प्रवचन सुन व ध्यान कर मुग्ध हो गए व आपकी पूजा अर्चना की और कहा कि आज हम धन्य हो गए। जिस रास्ते पर चल रहे थे एक मुकाम पर रुके हुए थे, आपके मार्गदर्शन से रास्ता साफ हो गया। आपने उसके बाद कहा कि यह सब इसके गुरुदेव का है, इसका कुछ नहीं, उन्हीं की कृपा है। हम धन्य हो गए कि आपका हमारे सद्गुरुदेव की कृपा से रास्ता खुल गया। आप जो बात कहते थे अपने ऊपर प्रयोग की हुई होती थी। आप अपने ऊपर ट्रायल करके और लोगों को करने के लिए बताते थे।
आपको संत कबीर दास जी का निम्नलिखित पद बहुत अच्छा लगता था और आपने इसे अपने जीवन में पूर्ण रूपेण उतार रखा था। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। जह जह डोलूं सो परिकर्मा, जो कुछ करूं सो सेवा। जब सोवों तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा। कहूं सो नाम सुनऊ सो सुमिरन, हाँव पियूं सो पूजा। गिरह उजाड़ एक सम लेखऊं, भाव मिटावो दूजा। आँख न मूंदऊं कान न रूंधऊं, तनिक कष्ट नहीं धारूं। खुले नैन पहचानो हसी हसी, सुंदर रूप निहारों। सबद निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कभौ न छूटे, ऐसी तारी लागी। कह कबीर यह उन मनि रहनी, सो पर गट कर गाई। दुख सुख से कोई परे परम पद, ते ही पद रहा समाई। यह है एक उन महान आत्मा के जीवन चरित्र की झांकी, जिन पर हमें गर्व है। सब बुजुर्गों की आत्मधार भक्तों के हृदय सरोवरों को सींच रही है। आप फरमाते थे, अखिल भारतीय संतमत सत्संग की जड़ें बहुत मजबूत हो गई हैं। यह सत्संग गुरुदेव की कृपा से संसार में सर्वत्र फैलेगा। जो भी इससे अलग होगा वह गुरुदेव की कृपा से महरूम हो जाएगा। परमात्मा से प्रार्थना है कि हम सभी को इतनी शक्ति प्रदान करें कि हम उनके परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज के बताए हुए मार्ग पर अक्षरशः चलते हुए निष्काम भाव से अखिल भारतीय संतमत सत्संग का नाम और अपने बुजुर्गों का यश संसार में फैलाएं, ताकि सच्ची आत्मिक सेवा बन सके। माय डियर सत्संगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी आर फेसिंग द वर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ आवर लाइव्स। इट हैज लेफ्ट अस ऑल नंब विद सोरो। The extent of this grief is realized every time we try to imagine life without our beloved Gurudev. What can be said about Gurudev? Words are not sufficient to describe him, and each one of us in our hearts carries his remembrances, which are very personal. He was Guru, father, friend, well-wisher altogether. Adored by all, loved by all, respected by all, there were infinite dimensions to his personality. Though we know that Sahib is always with us, the sheer inability to feel his physical presence will be unbearable. The tragedy is too personal for anybody to be able to console himself. This organization was conceived and nurtured by him, and each aspect of ABSS is a reflection of his wish. He has explicitly said that for those who have faith, I shall always be there. And thus, tragic as it might be, it is also time for us to reaffirm our faith in him and his ideals. The satsang shall now be guided by his ideals and Param Pujaniya Mataji, who has true reflection of Sahib himself. Bhai Sahabji often used to say, "Never think that there is any difference between me and your Mataji. In fact, whatever shape of satsang you will see today
is due to her sacrifices only. Our satsang is unique, unrivaled, and unparalleled by any other. And thus, we should strive to continue the same tradition of generations of our Sadgurus as shown to us by Bhai Sahabji. By his omnipresence, he shall continue to guide all those who seek him and his path. Paramatma, tu hi hai, teri ichha poorn ho. Om. Thank you.
अनमोल वचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो, परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।